नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे मोटिवेटर, स्पीकर और कई पुस्तकों के लेखक शिव खेड़ा के बारे में। विपरीत परिस्थितियां आने पर कुछ लोग टूट जाते हैं और उनके अंदर निराशा घर कर जाती है, परंतु इसके विपरीत कुछ लोग विपरीत परिस्थितियां आने पर टूटते नहीं हैं और परिस्थिति से लड़ते हुए सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों में से एक हैं शिव खेड़ा। संघर्षों से जूझते हुए शिव खेड़ा ने अपना वह मुकाम हासिल किया जहां पर वह औरों के जीवन की निराशा को आशा में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं। शिव खेड़ा दुनिया के उन प्रभावशाली वक्ताओं, लेखकों और चिंतकों में से एक हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी को अपने विचारों से सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद की है। उन्होंने अपने जीवन के कई प्रेरणादायी पुस्तकें लिखी। उनकी लिखी पुस्तकों को जो एक बार पढ़ लेता है उनका जीवन पूर्ण आत्मविश्वास से भर उठता है। सोशल साइट ट्विटर पर उनके चाहने वालों की भारी तादाद है। लाखों लोग रोजाना इंटरनेट पर शिव खेड़ा के जीवन और उनके प्रेरक विचारों की जिज्ञासा लिए उनसे संबंधित सामग्री की खोज करते हैं। उनका जीवन के प्रति सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण है वह बहुत ही अद्भुत है। शिव खेड़ा का जन्म 23 अगस्त 1961 को झारखंड के धनबाद में एक व्यवसायी परिवार में हुआ था। उनके पिता कोयला खादान के व्यवसाय से जुड़े हुए थे और माता एक गृहिणी थी। बाद के दिनों में जब कोयला खादानों का राष्ट्रीयकरण हुआ तब इस परिवार को भारी मुसीबत का दौर से गुजरना पड़ा। इसी समय शिव खेड़ा ने एक स्थानीय सरकारी स्कूल में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। स्कूल के दिनों में वह औसत छात्र थे। 10वीं की परीक्षा में एक बार वह फेल भी हो गए थे, परंतु उसके बाद उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया और उन्होंने एक सकारात्मक सोच के अपने जीवन को चुनौती का स्वीकार किया, जिसका परिणाम उन्हें उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में मिला। इस परीक्षा में वे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। स्कूल के बाद उन्होंने बिहार के एक कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। खेड़ा अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कनाडा में कार धोने जैसे छोटे काम से अपने जीवन यापन की शुरुआत की थी। फिर वे एक बीमा एजेंट बने, परंतु इस काम में भी उन्हें बहुत सफलता नहीं मिली जैसे कि वह चाहते थे। लेकिन इसके बाद भी सफलता के लिए संघर्ष का सफर जारी रहा। उन्होंने एक समय कई दुकानों में सेल्समैन तक की नौकरी की। कुछ सालों के बाद शिव खेड़ा अमेरिका चले गए। वहां उन्हें प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता नॉर्मन विंसेंट पेले को सुनने का मौका मिला। उनकी बातों से शिव खेड़ा बहुत प्रभावित हुए। विंसेंट पेले को सुनने के बाद शिव खेड़ा के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। वह स्वयं एक प्रेरक वक्ता बन गए। आगे चलकर वे एक पेशेवर मोटिवेटर स्पीकर बन गए। उन्हें जल्द ही इस पेशे में प्रसिद्धि मिलने लगी। अपनी योग्यता की बदौलत शिव खेड़ा कई व्यावसायिक संस्थानों के सलाहकार भी बने। इसी दौरान उन्होंने अमेरिका में क्वालिफाइड लर्निंग सिस्टम इंक नाम की एक कंपनी का गठन किया। वर्तमान में शिव खेड़ा इस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO हैं। यह कंपनी व्यक्तियों के और संस्थाओं को सकारात्मक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने और कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए सलाह सेवा प्रदान करती है। इस कंपनी की शाखाएं भारत सहित दुनिया के कई देशों में फैली हुई है। शिव खेड़ा ने 16 पुस्तकें लिखी हैं जो दुनिया में कई भाषाओं में प्रकाशित हुई। साल 1998 में शिव खेड़ा की पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था यू कैन विन। इस पुस्तक ने बिक्री का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। हिंदी में जीत आपकी टाइटल के नाम से शिव खेड़ा की यह पुस्तक 16 विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई थी। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यू कैन बीन की 30 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी है। इस पुस्तक के लिए शिव खेड़ा कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। शिव खेड़ा की अन्य प्रकाशित पुस्तकों में लिविंग विथ ऑनर, जो हिंदी में सम्मान से जिए, फ्रीडम इज नॉट फ्री, जो हिंदी में आजादी से जिए, यू कैन सेल, हिंदी में बेचना सीखो और सफल बनो का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। जीत आपकी पुस्तक सकारात्मक दृष्टिकोण और व्यक्तिगत विकास के द्वारा किसी व्यक्ति के सफलता हासिल करने पर आधारित है। उन्होंने अपनी पुस्तक आजादी से जिए में स्पष्ट किया है कि सफलता सकारात्मकता और नकारात्मकता मूल्यों पर आधारित होती है। इन्हें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि शिव खेड़ा अपने चिंतन से पाठकों के दिलो दिमाग पर अमिट छाप छोड़ने में सफल हुए हैं। शिव खेड़ा टेलीविजन, रेडियो, सेमिनार और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच जुड़े रहते हैं। शिव खेड़ा की कंपनी दुनिया के 17 देशों में लगातार कार्यशाला का आयोजन कर रही है, जिससे हजारों लोग लाभ उठाने के लिए वहाँ पहुँचते हैं।
बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे ही ताजा तरीन वीडियो के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।